नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, आप कैसे हैं? मजे मजे में? तो यार, इस एपिसोड में, यानी कि आज हमारा आर्ट का दूसरा, आर्ट वीडियो का दूसरा एपिसोड है, तो इस दूसरे एपिसोड में कुछ करेंगे धमाकेदार ग्रफिटी वगैरह। तो चलते हैं एक सफ़र में, यानी कि सफ़र वाला सफ़र नहीं, नितिन सकलानी का सफ़र यार। तो सफ़र में चलते हैं और सफ़र में हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको जन्नत का एहसास कर, जन्नत का एहसास कराएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा था, जो मेरे ब्रश के स्ट्रोक्स थे, मैं बड़े नाजुक तरीके से, बड़े अच्छे प्यार से उसको कर रहा था ताकि कि वो फैले ना, क्योंकि दीवार नई नई बनी थी और वो पेंट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो इसीलिए उस दीवार में मुझे ये भी ध्यान में रखना था कि कितना पेंट मुझे वहाँ पर लगाना है और किस तरीके से मुझे वहाँ पर स्प्रे पेंट और बाकी एक्रेलिक कलर का यूज़ करना है। बाकी इनेमल पेंट हम यूज़ नहीं कर सकते दीवारों पे, इसलिए हम एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्प्रे पेंट का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा स्प्रे पेंट का मैंने यूज़ किया है। उसमें जो स्कल है, मेनली मेरा स्प्रे पेंट जो यूज़ हुआ है वो स्कल पे यूज़ हुआ है। बाकी जितने भी यहाँ पे कार्ड्स थे, जो प्लेइंग कार्ड्स स्कल के हाथ पे हैं, स्केलेटन के पूरे हाथ पे जो आप देख रहे हो कार्ड्स, शायद आपको भी दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उन कार्ड्स में जो डिटेलिंग वगैरह हुई है वो पूरी मैंने ब्रश से ही की है। तो इसमें 90% आप कह सकते हैं कि 90% काम जो है वो ब्रश का हुआ है, बाकी 10% आप बोल सकते हैं कि स्प्रे पेंट का हुआ है। हालांकि स्प्रे पेंट ग्रेफिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इस ग्रेफिटी में जो है पेंट ब्रश का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यार, ग्रफिटी करने में एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एहसास होता है, कभी आप करके देखना। ऐसी अपने घर पे आप वॉल पे ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप चाहे तो। इस वीडियो को देख के आए हो कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एक जुनून जगे, आप भी ऐसा कुछ करने की सोचें, और अगर आप खुद ना करना चाहें तो मुझे आप बुला सकते हैं, बेशक बेफिक्र। तो ग्रफिटी के इस नायाब अजूबे में आउटलाइनिंग चल रही है, किसी हद तक आउटलाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्कल में, हाथ में, डाइसेस में आपको दिख रहे होंगे नीचे दो डाइस भी हैं, और अब रिबन में भी, और यहाँ तक कि पूरे कार्ड्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। ओहो, तो कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये कार्ड्स जो आपको दिख रहे हैं इनमें बनी हुई है खूबसूरत परियां। के बाद इनके अंदर हाइलाइट्स दिए और इसको कंप्लीट किया। हालांकि अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप देखिए एंड तक। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कलर क्यों मिला रहा हूं, यार ग्रफिटी तो कंप्लीट हो गई, मैं कलर मिक्सिंग क्यों कर रहा हूं, आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा, अभी ग्रफिटी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे देखिए होता है क्या। सेलर मैन पॉप बॉय में जैसे चैन छीने प्लूटो ये पैसे हैं, ऑलिव ऑयल मुझे प्यारे खाब पूरे करके रहने, अब जैसे तैसे हूँ मैं भी वैसे, पैदाइश डीट पीछे हटना नहीं, उम्र चाहे जाए बीत, संसार गाएगा एक दिन अपने गीत, होगी अपनी जीत, महंगी बातचीत, खिलाफ कई ले बचपन के घाव घायल, जवानी आंखों में आग, दिल ये बेताब, मौत सारी त्याग, सपनों का सागर उसमें मेरी नाव, दिन गिन गिन करूं मुमकिन, लक्ष्य हर दिन नए भिन भिन, हूँ ऐसे जैसे खुद का मैं हूँ जिन, ना है कुछ राग ना मैं अलादीन। चला, दिल सारा दे दे।
सो फाइनली मेरी ग्रेफिटी कंप्लीट हो चुकी है. काफ़ी थक चुका हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे, काफ़ी थक चुका हूँ मैं. मेरे बाल, मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा कितना हार्डवर्क मैंने किया है. सो हार्डवर्क हमेशा काम आता है, और जब भी हम हार्डवर्क करते हैं डेफिनेटली हमारे को उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है. यही मेरे साथ हुआ, मैंने ग्रेफिटी की. ये थोड़ा अलग ग्रेफिटी थी, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए इस ग्रेफिटी को देखें, ठीक है? तो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हो जाए. मेरा चले यहाँ पे जादू मंत्र, रैप मेरा ठहरे देखो एक ही अंतर, करो इस्तेमाल ख्वाहिश होगी पूरी, तभी सुन के दुश्मन मुझसे रख ले अंतर. रिश्तेदार कहते तेरे रह दिन कम, घर कैसे चले तेरी ना कोई इनकम, बस पूछे एक ही सवाल मेरा एक ही जवाब रहे हर दिन हर दम. साफ फसल भाई मचे यहाँ तबाही, उसकी बनी बीट पे जब हो ये लिखाई मंजिल, ये दिखाई मुझे धीरे धीरे. अब ये जो आपने ग्रेफिटी देखी थी, इस ग्रेफिटी को बनने में ये लगा लो कि मेरे को पूरे 2 दिन लगे थे इस ग्रेफिटी को करने में, जो मैंने आपको 2 मिनट में दिखा दिया होगी शायद. तो इतनी मेहनत से काम किया है, तो इस बार हम लाइक का एक एम रखते हैं. शुरुआत में हम सिर्फ 100 लाइक का एम रखते हैं, 100 लाइक, ठीक है? और बाकी आपके ऊपर है. तो चलो यार, अगली बार मिलते हैं फिर. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आई होप कि आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, आई होप कि आप लोग इस चैनल को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ. तो बस आप सबका साथ चाहिए और मेरी मेहनत.